खेल के क्षेत्र में धार जिला अपनी विशेष पहचान बना चुका है। धार के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब बैडमिंटन के साथ ही कराटे में भी धार के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और कराटे के क्षेत्र में धार का नाम प्रदेश और देश में रोशन कर रहे हैं। युविका अग्रवाल धार की ऐसी ही कराटे खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में मुंबई में आयोजित चौथी इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप 2018 में भाग लेकर सिल्वर मेडल जीतकर धार का नाम रोशन किया है। युविका की बड़ी बहन भी कराटे चैंपियन है और युविका अपनी बड़ी बहन सृष्टि अग्रवाल से ही ट्रेनिंग ले रही हैं जो भारत को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। ये एक्चुअली फोर्थ इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप थी, एशिया कप मुंबई में हुआ था ये 23 दिसंबर को। इसमें सिल्वर मेडल मिला है मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं 2024 ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और अपना बेस्ट दूँ उसमें और मेडल लाऊँ, गोल्ड मेडल। परिवार में सबको बहुत खुशी हो रही है कि इसको मेहनत का अपना परिणाम मिला और इतने कम समय में इसने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, तो हम सबको बहुत गौरव महसूस हो रहा है। दोपहर न्यूज़ के लिए धार से मोहिनी वर्मा की रिपोर्ट।